तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। आपने थंबनेल देख ही लिया है, सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। जिन लोगों का मोनेटाइजेशन ऑन है, जी हाँ दोस्तों, जो लोग अपने चैनल पर अर्निंग कर पा रहे हैं इस वक्त मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद, वीडियोज़ पर मोनेटाइज कर लेते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट यूट्यूब की तरफ से है। ध्यान रखना है इस बातों को कि दो गलती आपने बिल्कुल से बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली क्या है दोस्तों, सबसे पहली गलती है कि अगर आप अपनी वीडियोज़ को मोनेटाइज करते हैं तो मोनेटाइज करने के बाद उसको खुद से ना देखें, यानी कि देखें भी तो इतना ज़्यादा ना देखें। अगर आपका 100% व्यूवर्स पे जा रहा है तो उसमें से 10% आपका होना चाहिए। यानी कि समझ लो, अगर आपके छोटे से छोटे नॉर्मल डेली के व्यूज़ अगर आ जाते हैं एक वीडियोज़ पर, अगर आपके 100 वीडियो व्यूज़ आ जाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 बार अपनी वीडियोज़ को देखना है। यहाँ तक ध्यान रखने वाली बात यह है कि ज़्यादा अगर आप उससे देखोगे तो यूट्यूब समझ लेता है कि कहीं ना कहीं आप उसके साथ फ्रॉड या फिर व्यूज़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो ऐसे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको अपनी वीडियोस वापस दोबारा देखनी भी है तो दूसरी ईमेल आईडी से आप उसको देख सकते हैं या फिर किसी और के फोन से भी आप उसको देख सकते हैं, लेकिन अपनी ईमेल से बार बार उसको नहीं देखना है। इसकी वजह से मोनेटाइजेशन बंद हो सकता है। तो दोस्तों ये तो पहली गलती है। दूसरी गलती जो है वो सबसे बड़ी गलती है जो यहाँ पर कई बार लोग कर देते हैं, वो क्या है। जैसे मान लो आज आपने एक टॉपिक बनाया, वो टॉपिक है कि व्हाट्सएप पर DP कैसे लगाएं, और आपने कुछ दिनों बाद, यानी कि कुछ दिनों बाद सोच लो या फिर महीनों बाद, आपने फिर से एक टॉपिक बना दिया कि व्हाट्सएप पर फुल DP कैसे लगाएं। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधी बात करी जाए तो व्हाट्सएप से रिलेटेड या फिर कुछ भी ऐसा कंटेंट आपको नहीं देना जो आपने ऑलरेडी पहले बना रखा हो। एक ही कंटेंट को दो बार आप इस पर नहीं डाल सकते हो। तो यहाँ पर यूट्यूब पूरी पूरी एनालाइज करता है उसको। जैसे भी आप वीडियो डालते हो, वीडियो डालने के बाद यूट्यूब सबसे पहले उसको रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद वो देख लेता है कि आप वीडियोज़ अच्छी बना रहे हो, और बना रहे हो तो क्या क्वालिटी है आपके पास। तो क्वालिटी आपकी वहीं पता चल जाएगी कि आपने एक वीडियो पहले भी बना रखी थी, दूसरी वीडियो फिर से बना दी। तो जब ये चीज़ देखेगा तो YouTube उसके बाद भी आपका मोनेटाइजेशन बंद कर सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको वीडियो बनानी है, जैसे मान लो आज आपने एक वीडियो बनाई कि WhatsApp पर फुल DP कैसे लगाएं, तो दोस्तों WhatsApp पर फुल DP कैसे लगाएं तो आपने एक टॉपिक बना लिया, लेकिन कभी और इससे फ्यूचर आपको मिल जाता है, फ्यूचर में कुछ और अल्टरनेट इससे कुछ मिल जाता है, तो आपने उसका थोड़ा सा नाम चेंज कर देना है या फिर उसमें थोड़ा सा एडिशनली बढ़ा देना, जैसे कि WhatsApp पर फुल DP कैसे लगाएं विदाउट एडिटिंग, यानी बिना एडिटिंग के या फिर विदाउट एडिटिंग के, या फिर WhatsApp पर अच्छी से अच्छी DP को कैसे बना सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। ये एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक जैसे कि मान लो आपने, जैसे अगर आप जैसे व्लॉग कैटेगरीज में जाते हो, तो जैसे आप मान लो दिल्ली घूमने जाते हो तो आप बना सकते हो कि दिल्ली में देखने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, दिल्ली बेस्ट प्लेस, आप ये बना सकते हो। लेकिन आपने पहले अगर ये बना रखा है तो दिल्ली के अंदर दोबारा बना सकते हो आप, तो जैसे कि दोबारा बना सकते हो कि सबसे शानदार जगह ये है दिल्ली की, इस तरह से बना सकते हो, या फिर आप उसमें दोबारा विजिट करके और भी वहाँ पर उस अच्छे से अच्छा नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि आपका जो रिव्यू जाएगा, आपका जो रिव्यू में जाएगा जब वीडियो, तो उसमें क्या है आपका जो मेथड है वो अलग हो जाएगा, यानी कि पहले जो आपने बताया था ये उससे कुछ अलग हटके। तो यहाँ पर YouTube फिर देख लेता है कि इसने जो बनाया है वो दो बार मेहनत करी है और अलग अलग चीज़ों को इसने दर्शाया है इसमें, तो उसके बाद आपका मोनेटाइजेशन बच जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यही करती है। तो यहाँ पर आपने ये ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। अगर आपने एक टॉपिक बनाया है तो उस टॉपिक को दोबारा कभी यूज़ करना है तो कोशिश करें कि आप उसके बारे में पहले बता दें। यानी कि मान लो कि अगर आपने, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और इस तरह की वीडियो अगर मैंने आपको पहले भी कभी बना रखी हो, तो अगर मुझे उसके बारे में इंडिकेशन आपको देना हो तो मैं सिंपल से बोल सकता हूँ कि आई बटन पर जाके आप देख सकते हो मैंने ये वीडियो बना रखी है, तो ऐसे भी आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको इमीजिएटली कुछ ऐसा है कि नहीं करके ही दिखाना है क्योंकि वो लोग नहीं समझ पाएंगे, या फिर छोटा सा काम है या उसमें कुछ एडिशनली यूज़ हो चुका है, तो फिर आपने अपनी इसी वीडियो में, करंट वीडियो में उसको समझा देना है, करंट वीडियो में आप उसको सॉल्व भी कर देना है। तो उस तरह से YouTube उसको एनालाइज जब करेगा तो उससे आप बच सकते हो, मोनेटाइजेशन आपका बंद नहीं होने वाला। तो दोस्तों दोनों चीज़ आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो पहली चीज़ थी कि आपको खुद की वीडियो बार बार नहीं देखनी। अगर आपने वीडियो अपलोड कर दी है तो उसको बार बार नहीं देखनी है, और अगर आपको ज़रूरत है तो किसी और की ईमेल आईडी से या फिर अपना कोई और ईमेल एड्रेस या फिर कॉल ऑल ईमेल आईडी से आप उसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बार बार उसको ज़्यादा व्यूज़ नहीं देने कि अगर आपने बार बार ये ऐसी कोशिश करी तो वो समझ जाता है। तो पहली अपडेट। दूसरी क्या थी गलती? दूसरी गलती थी कि आपने अपनी वीडियोस
जो भी वीडियोस आपने बनाई है, फ्यूचर में कभी दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो सेम वीडियो आपको नहीं बनानी, कुछ अलग हटकर बनानी है, या फिर उसके बारे में इंडिकेशन देना है आई बटन पे या फिर किसी और थ्रू में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हो। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये थी दोस्तों कि यूट्यूब मोनिटाइजेशन बहुत ज़्यादा रूल पर है इस वक्त, और रूल क्यों ना हो, क्योंकि उस पर मेहनत इस वक्त ज़्यादा लोग आकर कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कॉमेंट करके बताना कि किन लोगों का अभी ऐसे है जो मोनिटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। दोस्तों आज के लिए बस इतने। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दे। दोस्तों बस इतना ही, बाय।